सच साहस सरोकार। पीएम मोदी के उपहारों की हो रही नीलामी, एनसीसी पूर्व छात्र कार्ड और राम मंदिर के मॉडल हैं शामिल। सितंबर से 11 अक्टूबर तक नवरात्रि में गुजरात में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समाजवादी पार्टी के विधायक कल करेंगे पैदल मार्च, सपा विधायक पैदल मार्च करते हुए विधानसभा पहुंचेंगे। नई दिल्ली में आप विधायक के आवास पर एसीबी टीम को रोकने के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार। चौबीस लोकसभा चुनाव के लिए मिशन साउथ पर बीजेपी, दक्षिण के 5 राज्यों की 129 सीटों पर भाजपा की होगी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। गाजियाबाद के बहुचर्चित श्रीकांत त्यागी मामले में आज श्रीकांत त्यागी की पत्नी और त्यागी समाज से जुड़े लोगों ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि श्रीकांत त्यागी को बेवजह इतना अपराधी बना दिया गया है। साथ ही त्यागी समाज को भी पूरे देश में बदनाम किया जा रहा है, ऐसे में शासन और प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही जो उचित कार्रवाई हो वो करनी चाहिए। जो हमारे समाज के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जो उन्होंने ये सामने बात रखी है इस पेपर के जरिए, ये पत्र है, इसके जरिए जो मेरे समाज के उन लड़कों के साथ, मेरे परिवार के साथ और मेरी मामी जी के साथ, साथ साथ मेरे पति श्रीकांत त्यागी जी के साथ जो अन्याय हुआ है, हमें न्याय मिले। और जब तक हमें अन्याय के साथ, जो हमारा अन्याय हुआ है हमारे साथ, उसको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हमारी लड़ाई, हम ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। और बस यही उम्मीद करती हूँ मैं कि हमें न्याय मिले और जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। औरैया के दिव्यापुर कस्बे में सीआईएसएफ के अधिकारियों ने सेमिनार आयोजित किया। इस दौरान आर्मी पुलिस की तैयारी कर रहे कई छात्रों ने इस सेमिनार में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इन सेमिनार को बच्चों में कमांड करने वाले सीआईएसएफ के डिप्टी कमांडेंट की मौजूदगी में सेमिनार को रखा गया और डिप्टी कमांडेंट ने बच्चों को बड़ी सरलता से उनके उज्ज्वल भविष्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके लिए मोटिवेट किया। इस दौरान हाई स्कूल और इंटर के छात्र मौजूद रहे। ये है कि हम सीआईएसएफ परिवार के बच्चों को बता पाएँ, 10th class 10+2 और ग्रेजुएशन के बाद इनके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, किन किन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित क्या सटीक रणनीति हो सकती है, रणनीति निर्माण के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से अगर इन्होंने जीवन में एक अच्छा लक्ष्य बनाया है उसको प्राप्त करने के लिए कैसे वो हमेशा मोटिवेटेड महसूस करें अपने टारगेट को लेकर, इसके लिए एक सेमिनार हम लोगों ने यहाँ ऑर्गेनाइज किया। फरीदाबाद में नामी सोसाइटी बीपीटीपी के खिलाफ सोसाइटी के लोगों ने प्रदर्शन किया और बीपीटीपी सोसाइटी और बिल्डर की पोल खोली। दरअसल आपको बता दें कि बीपीटीपी सोसाइटी में रहने वाले लोगों का बिल्डर पर आरोप है कि वो सुविधाओं की बात तो करे, सोसाइटी के अंदर कोई भी मूलभूत सुविधा मौजूद नहीं है। हालांकि बिल्डर ने सभी लोगों से मूलभूत सुविधा देने के नाम पर पहले ही मोटी रकम वसूल कर चुके हैं। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने बिल्डर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए कार्यवाही की मांग की। जसवंत पवार नाम है और युवा का संगठन है हमारा। देखिए, आज बीपीटीपी जो बिल्डर है काबुल चावला और जो उसने फ्लैट काटे हैं, जो भी सोसाइटी काटी है, देखिए बिजली के नाम पर कई गुना बिजली कर वसूला जा रहा है उनसे। बिजली के नाम पर पूरी, मैं ये कहूँ कि एक तानाशाही चला रहा है कि जहाँ 5-6 रुपये यूनिट बिजली सरकार देती है उसी बिजली को ये 30-30 यूनिट बिजली ले रहे हैं। पानी के नाम पर ये लूटा जा रहा है, पार्क के नाम पर लूटा गया। सबसे बात है, जब इन्होंने फ्लैट बेचे थे, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जब इन्होंने फ्लैट बेचे तो कहा था कि हम इनको क्लब देंगे, क्लबों के नाम पर लोगों से, जो सोसाइटी वासी से, उनसे 250 करोड़ रुपए वसूले गए। देखिए, ये जो 24 दिन से प्रदर्शन चल रहा है वो बीपीटीपी के खिलाफ चल रहा है। इनको जब घर दिए गए, अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया, सीवर का कनेक्शन नहीं दिया गया, उनको मूलभूत सुविधाएँ नहीं दी गई, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, ना हम बैंकों से लोन ले पाए, ना कुछ कर पाए।
तो इसलिए बीपीटीपी के खिलाफ ये प्रदर्शन जन्म ले गया। यहाँ एक बात एक सोसाइटी के नहीं है, पूरा जो ग्रेटर फरीदाबाद में जितनी सोसाइटियाँ हैं, ना इनको सड़कें मिल रही हैं, ना इनको पीने का पानी मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा। सीतापुर में पीएम मोदी के जन्मदिवस पर बीजेपी ने बेहटा मंडल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं मुख्य अतिथि सांसद राजेश वर्मा ने नमो प्रदर्शनी का फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। साथ ही इस मौके पर डिप्टी सीएमओ अधिशासी अधिकारी व बड़ी संख्या में जनता मौजूद रही। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन माननीय सांसद सीतापुर श्री राजेश वर्मा जी ने किया है। उसके साथ ही हमारे समस्त माननीय सभासदगण, चेयरमैन प्रतिनिधि, वार्ड के समस्त संभ्रांतगण एवं हमारे कार्यालय के स्टाफ उपस्थित रहे। जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कल हम लोगों ने 72वां जन्मदिवस मनाया है, और उस 72वें जन्मदिवस के अवसर पर हम लोगों ने पूरे जनपद में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, उनकी जीवनी के ऊपर हम लोगों ने तमाम प्रदर्शनी लगाई। आज दूसरा दिन है, हम लोगों ने अभी एक हेल्थ कैंप का इनॉग्रेशन किया है। तंबोर टाउन एरिया के अंदर ज़्यादा बारिश होने की वजह से कल जो है प्रदर्शनी नहीं आयोजित हो पाई थी, आज उसकी प्रदर्शनी का भी हम लोगों ने लोकार्पण किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर ये सेवा सप्ताह पूरे 2 अक्टूबर तक चलेगा। सुल्तानपुर में सूचना विभाग के बिल्डिंग के जर्जर होने से एक कर्मचारी चोटिल हो गया। आपको बता दें कि सूचना विभाग के बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। लगातार हो रही बारिश से छत से पानी टपक रहा है, जिसके बावजूद कर्मचारी जान जोखिम में डालकर कार्य करने को मजबूर है। बिल्डिंग की जर्जरता का मामला कई बार आला अधिकारियों के संज्ञान में आ चुका है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। वो गए थे बाथरूम में, बाथरूम से निकले, उधर से आ रहे थे, मेरी बाइक भी खड़ी थी, दो लोग की बाइक खड़ी थी, हमारी वाहन चालक की बाइक खड़ी थी, हमारी बाइक खड़ी थी। उसके बाद उधर से आने लगे, भरभरा के पलस्तर गिर पड़ा, ये मेरे पैर में भी लगा। फिर उसके बाद जो मैं ऊपर आ रहा था तो ऊपर मेरे बच गया, लेकिन वहाँ भरभरा गिर चुका था पलस्तर पूरा। सर जी बहुत डर लगता है, अपन क्या करें, हम वाहन चालक हैं, हम कार्यालय के अंदर नहीं जाते, हमारी सीट यहाँ पे लगी हुई है। हम जब भी अधिकारी को लेके आते हैं या जब सुबह आते हैं ड्यूटी पे, तो यहीं सीट पे बैठे रहते हैं सर, और कई बार डर लगा रहता है कि हम बैठे क्या करें, पर हमारे पास कोई जगह है नहीं। एक दिन हम ऐसे बैठे थे और यहाँ से भरभरा के पंखा गिर पड़ा, और यहाँ की जो ये देख रहे हैं आप, ये देख सकते हैं कि यहाँ का जो प्लास्टर है ये हमारे पैर पे गिर गया था। तो इसकी सूचना आपने कभी किसी को? सर जी बहुत बार हमने अपने अधिकारी को भी इसकी सूचना दी है, और अधिकारी ने लेटर भी लिखा है, सब कुछ किया है, पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। और इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष, सूचना विभाग की बिल्डिंग जर्जर होने की वजह से एक कर्मचारी घायल हो चुका है, इसको लेकर और क्या अधिक जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह ये बिल्डिंग का जर्जर होना और जिस तरह जो है लोगों को नजर में भी पड़ना, कहीं ऐसा भी हमको लग रहा है ये बड़ी घटना को दावत का इंतजार कर रहे हैं। अगर बड़ी घटना होगा तभी हम इस पर कोई संज्ञान लेंगे बनाने को लेकर, लेकिन अगर लगातार बारिश को लेकर जिस तरह बिल्डिंग जर्जर हो रही है, गिर रहा है या टूट रहा है, उस पर अगर कोई अधिकारी संज्ञान पर नहीं ले रहा है, ये वाकई ही बहुत लापरवाही का ही संकेत दे रहा है। आशुतोष, अधिकारी को उन्होंने बताया कि लेटर भी लिखा गया, लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है? जी जी बिल्कुल बता रहे हैं, अगर उनका कहना हो रहा है हम अधिकारी को लेटर लिखे हैं, अगर अधिकारी जो है इस बात को लेकर संज्ञान नहीं ले रहा है, वाकई ही अधिकारी जो है इस बात को जो है लापरवाही समझ रहा है, इसको तुरंत जो है संज्ञान में लेकर इसको जो है मरम्मत करानी चाहिए। सूचना विभाग जहाँ लोगों के लिए खबरों को जो है नजर रखता है और अधिकारी सा बराबर रहता है, वही अधिकारी जो है सूचना विभाग की बिल्डिंग को भी नजर रखे जानने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष। गाजियाबाद में इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा इलाके का है, जहां एक तेज रफ्तार बाइक पर सवार 2 युवकों के हादसे में मौत हो गई। तेज रफ्तार बाइक अचानक अनियंत्रित होकर एलिवेटेड रोड के डिवाइडर से टकरा गई, जिससे युवक को गिरने से मौत हो गई। आपको बता दें कि घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बाइक को कब्जे में लेकर दोनों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में कल रात में
दो लड़कों का बाइक से एलिवेटेड व डिवाइडर से टकरा जाने के कारण मौके पर ही डेथ हो गई थी, जिसमें एक लड़का एलिवेटेड से नीचे गिर गया था, एक एलिवेटेड पर ही इंजर्ड हो गया था और दोनों को एम्बुलेंस जब आई तो उन लोगों ने चेक किया था, दोनों की मौके पर डेथ हो गई थी। इनको दोनों की डेड बॉडी मोर्चरी भेज दी गई है। प्रतापगढ़ में स्वाट टीम और पुलिस की संयुक्त छापेमारी के दौरान करीब 20 लाख रुपए कीमत का अवैध गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कुंटल 35 किलो का गांजा जब्त किया। आपको बता दें कि पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एडिशनल एसपी और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। उनके निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों और शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे कार्य में लिप्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के तहत देलोपुर एसओ और हमारी स्वाट टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। मय वाहन और इनके पास से 1 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद किया गया है, जो ये अपने प्रदेश से बाहर से ला रहे थे और जनपद अमेठी ले जा रहे थे। इसमें मनीष शिवकुमार और कपिल गिरी 3 की गिरफ्तारी हुई। सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से शुरू हुआ सेवा समर्पण पखवाड़े का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि गणपत सहाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जिला स्तरीय निशुल्क चिकित्सा शिविर स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष को स्वास्थ्य मेला का संयोजक और जिला उपाध्यक्ष को कार्यक्रम का सह संयोजक बनाया गया है। चिकित्सा शिविर में मरीजों को हर प्रकार के रोगों की कुशल चिकित्सा द्वारा चिकित्सा सुविधा और निःशुल्क जाँच प्रदान की जा रही है। स्वास्थ्य मेले में जिले के विशेष डॉक्टर्स परामर्श दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी जी के जन्म दिवस पर भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा मना रही है। उसी के क्रम में आज यह चिकित्सीय शिविर यहां पर जनपद सहाय स्नातकोत्तर विद्यालय में लगाया गया है, जिसका संयोजक के नाते भी दायित्व तो है और पूरी व्यवस्था के लिए यहां पर आज शिविर में हमारे जनपद के और मेडिकल के जितने भी प्रमुख चिकित्सक हैं, हर रोग के विशेषज्ञ यहाँ पर आ चुके हैं और अभी हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी और भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर आर्य वर्मा जी ने इसका विधिवत शुभारंभ किया है। ये कैंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कल जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज ये स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है, जो कि गरीब जनताओं के लिए, उनके सहयोग के लिए दवा या जाँच, शुगर, बीपी, इस समस्याओं का उपचार के लिए ये कैंप लगाया गया है। खबर औरैया जिले से है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के रूप में सेवा दिवस मनाया जा रहा है। वहीं इस दौरान जिला अस्पताल में पहुंची भाजपा सांसद रमाशंकर कटेरिया ने सेवा दिवस के तहत जिला अस्पताल में मरीजों का हालचाल लिया। साथ ही सीएमओ की मौजूदगी में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत और बच्चों की ड्रॉप भी पिलाई। बता दें कि जिलाधिकारी समेत भाजपा के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। कल उनका जन्मदिन था, 17 जो है सितंबर से लेकर के 25 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन। ये पूरा पखवाड़ा सेवा दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। अयोध्या के बीकापुर में भाजपा के सदस्यों ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। वहीं इस शिविर में स्थानीय लोग नादाद नजर आए। साथ ही क्षेत्रीय सांसद ने सीएमओ से पोलियो कार्यक्रम में लोगों के चलते नाराजगी जाहिर की। बता दें इस शिविर में आयोजन मुख्य अतिथि के रूप में सीएमओ व भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम जल्दी जल्दी आयोजित हुआ है तो सूचना हो रही है, अभी लोग 11 बजे के बाद 12 बजे के बाद निकलते हैं, कभी कभी आएंगे। पोलियो कार्यक्रम को भी लेके आप? पोलियो कार्यक्रम में भी लोग आएंगे, ऐसा थोड़ो है, पोलियो की शुरुआत हुई है, बहुत सारे अधिकांश बच्चों को पिलाया जा चुका है, थोड़े बहुत जो लोग हैं वो आएंगे। सांसद जी ने वहाँ भी उद्घाटन किया है सीएससी मसौदा पर, अपना भी परीक्षण कराया और लोग वहाँ भी भीड़ है, यहाँ भी धीरे धीरे भीड़ होगी,
और साथ में पोलियो का भी आज से कार्यक्रम चल रहा है जिसमें करीब करीब जनसंख्या 29 लाख से ऊपर की है। इसमें जो 0 से 5 साल तक के बच्चे हैं वो 3,24,000 के आसपास हैं। तो आज करीब आज तो बूथ पर पोलियो की दवाई पिलाई जा रही है, कल से घर घर पिलाई जाएगी फ्राइडे तक। चंदौली में जीवित पुत्रिका पर्व को देखते हुए आरपीएफ और जीआरपीएफ पुलिस ने अलर्ट जारी किया, किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसको देखते हुए। आपको बता दें कि 2006 में इस पर्व पर डीडीयू जंक्शन पर भगदड़ के दौरान हुई थी, वहीं 7 महिलाओं की मौत हो गई थी। भारी संख्या में बिहार से महिलाएं गंगा स्नान और पूजन करने के लिए जाती हैं। इस व्रत पर्व को देखते हुए डीडीयू जंक्शन पर आरपीएफ ने सुरक्षा बढ़ाई है। जीवितिया पर्व को मद्देनजर रखते हुए आरपीएफ डीडीयू द्वारा और जीआरपी डीडीयू द्वारा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, साथ ही जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें सुरक्षित पास कराया जा रहा है। फरीदाबाद में इन दिनों लगातार सीएम फ्लाइंग टीम की तरफ से बड़ी कार्यवाही की जा रही है। बता दें कि बीते दिनों में सीएम फ्लाइंग की टीम ने कई डिपो होल्डर पर बड़ी कार्यवाही की। वहीं आज सूचना के आधार पर दिल्ली से आगरा जा रहे ट्रक को सीएम फ्लाइंग की टीम ने पकड़ा, जिसके बाद उसके बिल चेक करने पर जीएसटी चोरी का मामला सामने आया। फिलहाल मौके पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुलाकर ट्रक और सामान मालिक के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। सीएम फ्लाइंग फरीदाबाद को एक गुप्त सूचना मिली थी कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाले कुछ ट्रक्स में जीएसटी चोरी का माल होने की संभावना है। इस आधार पर सीकरी चौकी पे जो है ना, जब चेकिंग की गई संबंधित विभाग के साथ, तो वहाँ पे एक ट्रक रोका गया। तो उसमें संभावना है कि जीएसटी चोरी के कुछ माल हैं, तो उसमें जो AETO जो जीएसटी हैं उन्होंने उसका चलान कर दिया है और उसको पार्क कर दिया गया है वहाँ यार्ड में। अब उसका प्रॉपर टीम बनेगी और उसको चेकिंग की जाएगी और जो भी नियमानुसार कार्रवाई उसके बाद जीएसटी विभाग कराधान विभाग जो है वो करेगा। गोरखपुर के सरकारी स्कूलों के दुर्दशा को उजागर करने के लिए आम आदमी पार्टी ने पोस्टर बैनर लगवाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बैनर पर स्कूलों में टूटी दीवार, उजड़े बाथरूम और टूटे दरवाजे को दिखाया। इस दौरान पार्टी के नगर अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की हालात बद से बदतर हो चुकी है। हमारे प्राइमरी स्कूल में जैसी एजुकेशन फैसिलिटी है, सारे हमारे बिल्डिंग्स जर्जर हुए पड़े हैं, पानी की फैसिलिटी इतनी गंदी है, बच्चों की एजुकेशन इतनी ख़राब है कि बच्चे से अगर आप बेसिक चीज़ें मंडे ट्यूसडे की स्पेलिंग पूछिए वो भी उन्हें नहीं आता है। उनके खाने में मतलब वो खुद ही खाना खाते हैं, खुद ही बर्तन धुलते हैं, वहाँ पर ऐसी फैसिलिटी है। आज आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर सेल्फी विद सरकारी स्कूल पिछले एक हफ्ता पहले चलाया और उसके बाद जिलों में जो स्थिति सामने आई उसकी प्रदर्शनी लगा के हम ये बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल की जो सरकारी व्यवस्था है, बच्चों के साथ जो भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको प्रदर्शनी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 कोतवाली क्षेत्र में मर्चेंट नेवी ऑफिसर के घर में लूटपाट की घटना को लेकर पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने बताया कि नौकरानी ने ही ऑफिसर के घर डकैती की साजिश रची थी। महिला ने शाहजहांपुर के पंखिया गैंग के साथ मिलकर बेहद शातिर तरीके से घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने नौकरानी समेत कुल 6 बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए नकदी आभूषण समेत कई अन्य सामान बरामद किया। घटना में शामिल 5 बदमाश भी अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में टेलीग्राम और अन्य सॉफ्टवेयर का उपयोग करने नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाली 3 साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने टेलीग्राम ग्रुप एडमिन को गिरफ्तार किया, वहीं लेनदेन के लिए क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करते हुए गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 के इनाम से नवाजा गया है। जनरली लोगों से भी लिया करते थे और लोकल भी ये UPI के थ्रू लेते थे, कोई फिजिकल पेमेंट कैश के फॉर्म में इनके द्वारा नहीं ली जाती। अलग अलग बैंकों के UPI हैं, उनको यूज़ करते थे और जब ज़्यादा डिस्क्रीट करने के लिए ये लोग हमेशा क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ही पेमेंट लिया करते थे।
हरदोई के दौलतपुर गांव में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों के 5 लोग लुलुहान और 3 के सर में चोट आ गई। कच्ची शराब पीकर दोनों पक्षों में मारपीट की बात सामने आई है। वायरल वीडियो में घायल लोगों के परिजन चिल्लाते नजर आए। पिटाई के बाद घायलों के सर से पांव तक ब्लड निकलता दिख रहा है। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को CHC में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच में जुटी है। प्रतापगढ़ में आउटडोर बंद किए जाने के विरोध में रेल कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि कर्मचारियों का नेतृत्व कर रही शाखा मेस यूनियन के नेताओं ने सीनियर DMO का जमकर मुर्दाबाद किया, उन्हें कर्मचारी विरोधी बताया। आपको बता दें कि यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि आउटडोर को बिना किसी कारण से बंद कराना सीनियर DMO की तानाशाही को दिखाता है। वहीं इन पर अधिकारियों को गलत सूचना देने और कर्मचारी विरोध करने का आरोप नेताओं ने लगाया है, जिसके बाद यूनियन द्वारा सीनियर DMO को संबोधित ज्ञापन SS को दिया गया। इस विरोध प्रदर्शन में काफी संख्या में कर्मचारी और नेता मौजूद रहे। सीतापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर तहसील महमूदाबाद के ब्लॉक में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें निःशुल्क जांच और मोतियाबिंद की जांच जैसी सुविधाएं दी गई, जिसमें MLC श्री पवन सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने इमरजेंसी वार्ड, स्टोर रूम, किचन समेत सही वार्ड का बारीकी से निरीक्षण भी किया। आज मैंने जो निरीक्षण किया है, डॉक्टर साहब को, वर्मा जी को मैंने सारे निर्देश दिए हैं और बाकी की जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उसको कैसे अपडेट किया जा सकता है उसके बारे में बात की है। और इसके पहले जो कुछ डॉक्टर्स को मैंने बना लिया कि सुबह टाइम एक सबकी एक मीटिंग है 5-10 मिनट की, तो क्या क्या हम कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में जा रहे हैं उस पर एक बड़ा काम। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।